बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में तीसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के तहत मेरिट में आने वाले 205 कॉलेज के छात्र छात्राओं को राज्यपाल ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए। यूनिवर्सिटी के तहत मेरिट में आने वाले 205 कॉलेज के छात्र छात्राओं को राज्यपाल ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। अधिक गोल्ड मेडल पाने वालों में छात्राओं की अधिक उपस्थिति देखकर राज्यपाल ने तारीफ करते हुए कहा कि कहीं हमें बेटा पढ़ाओ का स्लोगन न देना पड़ जाए। ज्यादातर बच्चे दीक्षांत समारोह में बच्चियां ज्यादा आई, बच्चे कम आए। आपको मालूम है कि बेटी पढ़ाओ, अभी बेटी आगे निकल गई, बेटे पढ़ाओ ऐसा करना पड़ेगा क्या? विद्यार्थी है जिनको गोल्ड मेडल मिला है, उपाधि मिली, उनके चेहरे से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खुशी है। निश्चित रूप से हर बच्चों की मेहनत जो सफल होती है और वो साकार होते हैं, डिग्रियां सबको मिलती है, सम्मान सबको मिलता है, मार्क्स सबको मिलता है। लेकिन इस तरीके से दीक्षांत समारोह के दौरान और महामहिम राज्यपाल जी मंगू भाई पटेल जी के हाथों से सम्मान मिलना, प्रोफेसर शुभा मैम के हाथों से मिलना, हमारे विधायिका ललिता यादव जी और महामृत्युंजय जी जो आए हैं, हमारे सभी सम्मान उनके द्वारा उनके हाथों से जो हमारी सफलता है उसको हम ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से खुशी तो पूरी है। आज छतरपुर महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह, जिसमें हमारे प्रदेश के महामान्य मंगू जी भाई पधारे थे मुख्य अतिथि के रूप में, और जो विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए, उपाधि प्राप्त दी, उनको सम्मानित किया। मैं सभी छात्र छात्राओं को अपनी ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ कि महाराज छत्रसाल की नगरी के छात्र ये आगे बढ़े, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में अपना नाम रोशन करें, यही मेरी ईश्वर की इच्छा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।